नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रिया निक्कू फैमिली ब्लॉग्स में और मैं हूँ नताशा। आज की वीडियो रिएक्शन वीडियो है। मैं काफी दिनों से काम नहीं कर पा रही थी तो मैं एक ही कपड़ों में वीडियो बना रही हूँ। अगर किसी को इसी चीज से प्रॉब्लम हो, मेरे से मेरी जो बातें हैं उनको ना सुन के कोई मेरे कपड़े देखने के लिए आया है तो आई एम सॉरी, बट जो वीडियो है वो बहुत आपको आज कुछ सिखाने जाने वाली है। प्रेगनेंसी एक औरत की जिंदगी में सबसे खुशहाल पल, जो कि बहुत सी लोगों की जिंदगी में, बहुत सी औरतों की जिंदगी में, एक्चुअली आदमी की जिंदगी में भी, क्योंकि माँ जो बनता है उसको तो फर्क पड़ता ही, लेकिन जो माँ को शरीर पर इफेक्ट करता है, लेकिन जो पिता होता है उसका माइंड और दिल बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, वो बहुत ज्यादा सोचता है इस चीज के लिए। तो दोनों की ही जिंदगी के लिए खास पल होता है, लेकिन उस खास पल के लिए किसी को बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ता है, किसी को कम इंतजार करना पड़ता है, किसी को एकदम मिल जाते हैं, किसी को बहुत टाइम बाद मिल जाती है। वो कहते हैं ना कि सबकी किस्मत और हेल्थ इस चीज के लिए, इसके जिम्मेदार बहुत सारी ये चीजें होती है। बट उसके बाद में अगर आप यूट्यूब पर ब्लॉगर को देख रहे हैं, किसी ने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किन दौर से गुजर के आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है, बहुत अच्छी बात है, ये चीजें शेयर करनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी महिला मोटिवेट होती है कि आपने क्या क्या झेला है, सब शेयर कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत से लोगों को जो है मोटिवेट करता है। अगर हमें भी कोई ऐसा बोलता है ना कि अरे टेंशन नहीं लेने का, इतने साल बाद वो कंसीव किया है, तो बहुत सारी इसमें अच्छा ही लगती है। लेकिन डर आ जाता है जब एक नॉर्मल इंसान हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करता है, लेकिन उसके बाद में सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए मेरी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, ओ मेरे बेबी में हार्ट बीट नहीं आई, ओ मेरे बेबी को ये हो गया, ओ ये हो गया, वो हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। एक्चुअली अगर 10 महीना प्रेग्नेंट है तो आज के टाइम में खान पान की वजह से, बहुत सारी चीज़ों की वजह से 8 महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती है कि भाई बच्चे में कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। 8 नहीं, मैं 5 ही कहूँगी कि 5 महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चे में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके लिए दवाइयाँ उन्हें एक्स्ट्रा खानी पड़ती है, इंजेक्शन्स लगाने पड़ते हैं, माता में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि खान पान ऐसा हो रहा है। दूसरा कि एज भी इस चीज़ के लिए इफेक्ट करती है, बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट होती है, तो वो होता है। लेकिन उस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा रोना धोना, इतना ज़्यादा लोगों को डिमोटिवेट करना कि प्रेगनेंसी होगी तो, जिन महिलाओं को आप ये बताना चाह रही है कि आप प्रेगनेंसी होगी तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होगी, उन पर क्या बीतती होगी, आपने कभी सोचा है? अगर आप किसी सिचुएशन से गुजरे हैं, अगर इन चीजों को बहुत नॉर्मली आप जब आपने कंसीव कर लिया है, उसके बाद में जब आपका बेबी हो गया, तब आप बता सकते हैं कि भाई मुझे बेबी के टाइम भी ये प्रॉब्लम आई थी। वो चीज नहीं, वो मोटिवेट करती है। लेकिन जो चीजें आप अपनी 9th मंथ में, अगर आप किसी को नॉर्मल भी जा रहे हैं ना, तब भी आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी बताते हैं, भगवान ही सब चीजें देखता है कहीं आपको प्रॉब्लम ना हो जाए। हर एक यूट्यूबर को हाई रिस्क प्रेगनेंसी कैसे हो गई, आप खुद इस चीज को सोचिए ना, हर एक को क्यों होती है जो भी कंसीव करता है। अगर वो 3 महीने बाद या 5 महीने बाद इस चीज को डिक्लेयर कर रहा है कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूं, सिर्फ 1-2 यूट्यूबर को छोड़कर सबको हाई रिस्क प्रेगनेंसी कैसे हो जाएगी? अगर हो भी जाएगी, आपको पता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी में क्या होता है? मेरे परिवार में किसी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, क्योंकि उनको जो है ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। उसके बाद में उनको कितने प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा, पूरे 9 मंथ तो उनको इंजेक्शन लगे, पूरे 9 मंथ में वो लगभग ये मान लें आप 7-8 मंथ उनका बेड रेस्ट था। ऐसे बहुत सी महिलाएं को प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर मैं एक चीज कहूंगी कि पायल मलिक की अगर मैं बात करूं तो वो 2 वीक्स उनके पेट में है, दूसरा IVF की वजह से है। तो जब IVF नॉर्मल अगर आप कंसीव करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है, IVF में बहुत ज्यादा एक अलग चीज हो जाती है, नेचुरल कंसीव करने में और एक टेक्निक के द्वारा कंसीव करने में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। तो अगर वहां पर है तो वो प्रॉब्लम होती है, जब 8th मंथ आता है, 9th मंथ आता है, तो सांस लेने में बहुत सी महिलाओं को प्रॉब्लम हो जाती है। ये कॉमन चीज होती है, बहुत सी महिलाओं को जाती है, खुजली हो जाती है और स्वेलिंग हो जाती है, बहुत सारी चीजें होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। वो चीजें शेयर करना सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई मुझे इचिंग शुरू हो गई है तो डॉक्टर ने मुझे ये बताया है, कि भाई मुझे स्वेलिंग हो रही है तो डॉक्टर ने मुझे ये बताया है। लेकिन अब हर एक चीज में हाय मेरे तो ये हो गया, वो हो गया,
अगर आपको ब्लीडिंग भी होती है तो डॉक्टर उसके लिए एडवाइस करते हैं कि भाई आप इंजेक्शन लगवा लो। इंजेक्शन लगाए जाते हैं, आपको बेड रेस्ट बोला जाता है, लेकिन आप करते क्या है, आप वैसे तो कूदे फिर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं घर का, लेकिन आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। तो ऐसा नहीं होता, जो महिला इन चीज को देखती है, तो मैं यही कहूंगी कि ठीक है आपको अच्छा लग रहा है, आप उनको देखो, सबको देखो, लेकिन जो ये सिर्फ कॉन्टेंट के लिए चीजें करती है ना, उन चीजों को, हरकतें को एब्जर्व करने की कोशिश करो। अगर प्रेगनेंसी है और हाई रिस्क भी प्रेगनेंसी है ना, हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती है, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है रिस्क वाली होती है, हाई रिस्क वाली जो प्रेगनेंसी होती है किसी भी तरह की प्रेगनेंसी में, मैं ये कहूंगी कि अगर आप एक अच्छे डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं ना, और आप 9 के 9 महीने डॉक्टर के यहाँ पर जा रहे हैं और उससे एडवाइस ले रहे हैं, तो डॉक्टर आपको बहुत चीजें सजेस्ट करेगा जिससे आपकी जो प्रेगनेंसी है वो स्मूथ चलेगी। स्मूथ भी ना चले, आपको कंसीव होने के बाद में आपको बेबी वो देगी ही देगी, अगर आप डॉक्टर पर यकीन कर रहे हैं और डॉक्टर की कई सारी चीजें कर रहे हैं ना, वो आपको देगी ही देगी। तो इस चीज को इतना सोचने की, इतना ज्यादा लोगों को देख देख के डिमोटिवेट होने की, परेशान होने की, क्योंकि मुझे बहुत सारी महिला ये चीज कहती है, यार उसे देख के तो मैं ना डर गई, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो नहीं, डरने की चीज नहीं है। अगर आप डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं और डॉक्टर ने आपको किसी चीज के लिए एडवाइस किया है, तो अगर आप उन चीजों को फॉलो करते जा रहे हैं, तो आपको ये भी भरोसा रखना चाहिए कि डॉक्टर आपको, चाहे आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी भी है, आपका स्वस्थ बच्चा आपके हाथों में लाके देगी। अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बच्चे को जो है डिलीवरी के टाइम हो भी गई, तो वहां पर बच्चे का भी डॉक्टर होता है और अदर भी डॉक्टर होते हैं, तो वो चीज इसको देखेंगे। आप वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते, आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आप अपनी केयर कर सकते हैं, डॉक्टर की कई चीजें मान सकते हैं, आपको वही करनी चाहिए। और हाई रिस्क प्रेगनेंसी में मोस्टली जो बोला जाता है वो आराम बोला जाता है, कोई भी करता हुआ दिखाई नहीं देता, 24 घंटे कूदते फिरते रहते हैं इधर उधर, उनकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। तो मुझे ये सब चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही है कि यूट्यूब पर सिर्फ कंटेंट क्रिएट करने के नाम पर ये सब चीजें क्यों हो रही है, लोगों को डिप्रेस करने वाली, लोगों को परेशान करने वाली। तो इस चीजों से मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और मैं यही कहूंगी कि मत टेंशन लीजिएगा। लोगों को अगर आप देख रहे हैं तो एंटरटेनमेंट के तरीके से देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो लोग आपको एंटरटेन ही कर रहे हैं, किसी भी तरीके से कर रहे हैं, वो पैसे कमा रहे हैं, लेकिन आपको अगर उनसे डिप्रेशन हो रहा है ना उनके किसी वजह से, तो उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप रहिएगा खुश, हम भी रहेंगे खुश, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।